नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बताऊंगा SBI का ATM कार्ड अप्लाई कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस वीडियो में जानकारी दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बैंक रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगर आप गूगल पे या फोन पे बनाना चाहते हैं तो आपको ATM कार्ड बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले अपने बैंक के ब्रांच में जाना है, जा कर के वहाँ से आप बोलेंगे कि हमारे को ATM कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म दीजिए, तो आपको एक फॉर्म देगा। फॉर्म आपको इस तरह का रहेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरा डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ कर के भर लीजिए। भरने के बाद आपको वहाँ पर दे दीजिए, दे देने के बाद अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद आपको 3 दिन बाद डिस्पैच का एक मैसेज आएगा कि ATM कार्ड आपका डिस्पैच हो गया है। वहाँ से चल देने के बाद आपको 10 से 15 दिन समय लगेगा और घर तक पहुँचने में 20 दिन समय लग सकता है दोस्तों। पहले एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, उस ट्रैकिंग नंबर से आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं अपने ATM कार्ड को कि हमारा ATM कार्ड कहाँ तक पहुँचा है। उस ट्रैकिंग नंबर आपको डिस्पैच होता है उसी समय आपको मिल जाएगा, तो उसको माध्यम से आप ट्रैकिंग नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ATM कार्ड घर तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो से आप लोग का कुछ सीखने का मिला है। अगर कुछ भी सीखने का मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।